हेलो, वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ सौ का शोडाउन। और मैं हूं शाहनवाज रहीम। और आज हम जिस कॉलेज की बात करने जा रहे हैं वो है वन ऑफ द फेमस कॉलेज, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज, जिसको पैन इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी एक तो मेरा भी पर्सनल फेवरेट कॉलेज है ये। ऑफकोर्स आई एम टेकिंग दिस सेशन फ्रॉम भोपाल लीगल एज का जो हब है भोपाल, वहां का ये खूबसूरत कॉलेज है। तो ये एक स्पेशल एपिसोड है मेरे लिए भी। सो वेलकम, वेरी गुड इवनिंग इन दिस एपिसोड, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के इस एपिसोड को हम डेडिकेट करने जा रहे हैं एनएलआईयू भोपाल को। और इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स आई एम गोइंग टू गिव यू अ टूर ऑफ कंप्लीट कॉलेज, जहां पे हम खूब सारी बातें करते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। जो भी स्टूडेंट्स अभी पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप बाकी के एपिसोड्स भी टाइम रहते देख लीजिए। हमने ऑलरेडी बैंगलोर कवर कर लिया है, हैदराबाद कवर कर लिया है, दिल्ली कवर कर लिया है, एंड कोलकाता भी कवर कर लिया है। तो दिस इज द एपिसोड नंबर 5 ऑफ दिस सीरीज। सीरीज का नाम है 100 का शोडाउन, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हम इस सीरीज में बैक टू बैक 100 एपिसोड लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरी इंपॉर्टेंट लॉ स्कूल इन द कंट्री इन दीज 100 एपिसोड्स। तो ये इस सीरीज का मेन एजेंडा है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। सो एनएलआईयू भोपाल के बारे में अभी तक हम क्या क्या जानते हैं, जस्ट हैव अ क्विक लुक। सो द इंस्टीट्यूट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1998, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस। अगर हम बैंगलोर की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, तो भोपाल भी इस लीग में पीछे नहीं है। सो इट्स अ ओल्डेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन दिस लीग। एनएलआईयू की लीग में ओल्डेस्ट कॉलेज के अंदर काउंट किया जाता है। 1998 में स्टार्ट हुआ था विद BA LLB ऑनर्स, बट नाउ द कॉलेज हैज BSc LLB ऑनर्स एज वेल। तो हम वो आगे देखने वाले हैं। सो स्टार्टेड ऑन 1st ऑफ सेप्टेम्बर। लोकेशन है हमारे सिटी ऑफ लेक्स में, भोपाल में। ये बढ़िया ही बहुत ही अच्छी वैली के बीच में ये कॉलेज जो है वो सिचुएटेड है। लश ग्रीन कैंपस, चारों तरफ जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। सो प्लीज विजिट करिए भोपाल के एनएलयू को भी जरूर से, ठीक है। सो जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है इस कॉलेज का वो है कि इट्स सिचुएटेड बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ द सिटी, केरवा डैम एंड अ कलियासोट डैम। तो इन दोनों डैम्स के बीच में इस कॉलेज का जो कैंपस है वो जे वैसे एक बहुत ही सीनरी और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। एडमिशन प्रोसेस, एज वी ऑल नो, एनएलयूज में दिल्ली को छोड़कर एवरी कॉलेज टेक्स एडमिशंस वायर दिस एग्जामिनेशन, विच इज क्लैट। वी ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ दिस, वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। सो क्लैट के थ्रू आपको इसका इसमें एंट्री मिलती है। वही बेसिक रूल्स हैं, 45% स्कोर यू हैव टू स्कोर इन योर 12th स्टैंडर्ड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ जर्नल कैटेगरी, एंड देन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ रिजर्व कैटेगरी देन यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40%। द मिनिमम परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड इज 40%, एंड देन देर इज नो अपर एज लिमिट। तो ये तो जो रूल्स हैं, दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऑफ क्लैट। तो जहां पे भी क्लैट एक्सेप्टेड होगा वहां पे ये बाई डिफॉल्ट एलिजिबिलिटी अप्लाई हो जाती है। तो इट्स अ कॉमन एलिजिबिलिटी अक्रॉस ऑल द एनएलयूज एक्सेप्ट दिल्ली। कोर्सेज अगर हम आज की डेट में, व्हेन आई एम टेकिंग दिस सेशन, आज की अगर मैं बात करूं, तो टुडे ऑन दिस डे दे आर ऑफरिंग टू एक्सक्लूसिव कोर्सेज। सो वी हैव सीन अदर एनएलयूज आल्सो जो कि BA LLB ऑनर्स पे ही ज्यादा फोकस्ड हैं। यहाँ पे भोपाल ने लास्ट ईयर ही इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, एंड दैट न्यू कोर्स इज BSc LLB ऑनर्स। नाउ दिस कॉलेज इज सर्विंग गिविंग यू 2 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। BA LLB भी है और BSc LLB ऑनर्स भी ऑफर किया जा रहा है। द कॉलेज इज ऑफरिंग सेमेस्टर वाइज सिस्टम। सेमेस्टर्स के अंदर आपके पास रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपके पास रिसर्च पेपर करने का वो होता है, ऑप्शन है, एंड देन थर्ड यू ऑल्सो हैव अ वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन। सो दीज आर द एग्जामिनेशन पैटर्न्स व्हिच दे कंडक्ट इन देयर सेमेस्टर्स एज वेल। सो ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि नॉर्मली हमें एनएलयू के बारे में, एनएलयू भोपाल के बारे में ऑलरेडी पता है। पर अब आगे जानते हैं कि और क्या खास चीजें हैं जो इस कॉलेज को एक बहुत ही खास जगह पे खड़ा करती है, कॉलेज की अच्छी रेपुटेशन बनाती है। सो लेट्स गो थ्रू द डिटेल्स अबाउट द फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। सो एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट दिस कॉलेज इज ब्यूटिफुली लोकेटेड इन बिटवीन द टू ब्यूटिफुल डैम्स ऑफ सिटी ऑफ लेक भोपाल। सो वो कॉलेज को ऑलरेडी बहुत अच्छा व्यू देता है, एक पूरा ही ग्रीन
कैंपस है, ये पूरा ही ग्रीनरी से घिरा हुआ कैंपस है, अ मैसिव कैंपस ऑफ 50 एकर, 50 एकर लैंड पे बना हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, वन ऑफ द फैंटास्टिक लाइब्रेरीज इन एनी एनएलयू। यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी देखने को मिलती है, फुल ऑफ बुक्स, कैंटीन, हेल्थ सेंटर, फैकल्टी क्वार्टर्स एंड क्लीन एंड वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एज वेल। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की अगर बात करें तो हमने देखा कि एनएलयू जो है, चाहे वो बैंगलोर रहा हो, वो हैदराबाद रहा हो, दिल्ली रहा हो, भाई आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे ये सारे कॉलेजेस ने अच्छे से फोकस किया है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे भी आपको बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट एंड अ वेरी गुड जिम भी देखने को मिलता है। प्लस थ्रू आउट द कैंपस दे हैव अ वेरी हाई क्वालिटी वायरलेस कनेक्टिविटी एज वेल। सो ये सारी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है वो ये कॉलेज बखूबी पूरी करता है। सो दिस शोज द कॉलेज इज वेरी वेल अपग्रेडेड। टॉकिंग अबाउट द रैंकिंग्स ऑफ द कॉलेज, सो अगर हम NIRF की रैंकिंग्स के ऊपर बात करते हैं, द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ NIRF सेज दैट दिस कॉलेज स्टैंड्स ऑन रैंक 15th। आप जी कितने बच्चों को लगता है कि ये कॉलेज एक्चुअली 15th रैंक पे स्टैंड करता होगा? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बट अगर हम इंडियाज बेस्ट लॉ कॉलेजेस की रैंकिंग्स देखते हैं बाय इंडिया टुडे, सो दे हैव गिवन इट अ रैंक ऑफ 3rd। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ओपिनियंस, आई वुड रैंक दिस कॉलेज नॉट लेस देन रैंक 4th or 5th। 4th या 5th पे ही मैं इसे रैंक करूंगा, बिकॉज रैंकिंग की जब बात की जाती है तो देर आर मेनी अदर पैरामीटर्स, मेनी अदर रीजंस जिसकी वजह से किसी कॉलेज को रैंक दी जाती है। अगर इस कॉलेज की रैंकिंग 15th होती NIRF के हिसाब से, अगर ये 15th रैंक का कॉलेज होता तो क्लैट कंसोर्शियम की रैंक की कट ऑफ लिस्ट हमें कुछ अलग आंकड़े दे रही होती, नंबर्स दे रही होती। NLIU भोपाल की अगर आप कट ऑफ रैंक्स देखते हैं, कट ऑफ रैंकिंग्स देखते हैं फॉर एडमिशंस, वो काफी हाई है। सो अंडर 400, अंडर 350 पे आपको NLIU भोपाल मिल रहा है, विच ऑटोमेटिकली सेज दैट दिस कॉलेज हैज अ वेरी हाई रेपुटेशन। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस कॉलेज शुड बी रैंक समवेयर बिटवीन 4th or 5th रैंक, इवन नॉट लेस देन कोलकाता और जोधपुर। दिस कॉलेज इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू कोलकाता एंड जोधपुर एज वेल। इट्स अ वेरी गुड एंड रेनाउंड कॉलेज। सो फॉर मी इफ आई से आई वुड रैंक दिस कॉलेज ऑन रैंक 5th, आपको क्या लगता है? आप डेफिनेटली रैंकिंग्स बताइएगा। नाउ गोइंग थ्रू द वेरी गुड पिक्चर्स ऑफ द कैंपस एज वेल, यू कैन सी द क्लासरूम्स, द एडमिन ब्लॉक, द एकेडमिक ब्लॉक, एंड दीज आर द प्लेसेस जहां पे जब आप लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे इस कॉलेज में तो इन्हीं जगहों पर आप अपने वो 5 साल बिताने वाले हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। Now, as I said, the NLUs are very focused on the overall development of the students. That is why wo infrastructure pe kafi invest karte hain, and which is very much visible through their courts and their other facilities also. So they have a badminton court, they have a basketball court, and they have a tennis court as well. As I was saying that this college stands and holds a very good ranking, ye automatically clear ho jata hai by going through the cutoffs and the scores of this college as well. So let's go through the cutoffs and the scores. The latest cutoffs and scores of this college are 2020 mein, in the year 2020, the pandemic year, the last rank for the general category was 412, whereas SC category ka 4213 pe admission hua, ST ka 8000 something, and OBC mein hamare paas rankings available nahi thi. 2021 ki agar hum baat karte to cut off aur zyada niche aa jata, rankings aur zyada niche aa jati hain, aur ab ranking agar aap dekhe to 350 pe aapko last seat mili thi in the general category. For the SC category it went down to 4086th rank. If we talk about 2022, now the 2022 year was a year where they have introduced the BSc LLB as well. So yahan pe 2022 mein BA LLB mein the rank was 451, whereas BSc LLB, which is a very new course, yahan pe bhi agar aap dekhen to kafi high rankings gayi hain yahan pe bhi. Even it's a new course, it's a BSc, very specific course for the science students, usme bhi agar aap dekhte hain CLAT All India rankings jo hai 493 ranks pe gayi hain. These rankings are sufficient and this data sufficiently saying
and indicating that this college deserves a very good rank, stands a very good rank. Ye rank 5th ya rank 4th pe definitely stand karta hai based on the cutoffs. Talking about the core community and core committee and the core management team of this college, of this university. So a very good and interesting fact is that our Honorable Chief Justice of India is a visitor or is a visiting faculty over there. He himself has taken many lectures in the university. So yaar, inka lecture agar aap attend kar rahe hain aur agar koi college aapko yahan tak available karwa raha hai, Chief Justice of India के सेशंस आपको अवेलेबल करवा रहा है, तो इससे ज्यादा बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात हो ही नहीं सकती. देन द चांसलर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि विजय कुमार एंड प्रोफेसर डॉक्टर वी विजय कुमार, ही इज द वाइस चांसलर. प्रोफेसर डॉक्टर राका आर्य, शी इज डीन स्टूडेंट वेलफेयर एंड रिसेंटली हैज बीन अपॉइंटेड on a very senior position in the Law Commission also. Professor Dr. Uday Pratap Singh, he is a professor in human rights, and Professor Dr. Gayur Alam is a registrar. So these faces are the core management team. This is the core management team of NLIU Bhopal. यही वो लोग हैं जो आपके कॉलेज की बैकबोन की तरह रोल प्ले करने वाले हैं. यही वो लोग हैं जो आपके वो 5 सालों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप देने वाले हैं. आगे चलते हैं. हॉस्टल एकोमोडेशंस अगर हम देखते हैं कि इस कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स किस तरीके के हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, जब आप यहां पे सिलेक्ट होकर आते हैं तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज में क्या क्या मिलने वाला है. सो द हॉस्टल्स आर हैव बीन गिवन नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स इन द मध्य प्रदेश. सो मेल हॉस्टल्स में कट्टायन एंड भागीरथी, फीमेल हॉस्टल्स में यू हैव शिप्रा एंड नर्मदा. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कैन चूज बिटवीन डबल सीटर एंड द सिंगल सीटर रूम्स एंड उसके बाद आपकी रैंकिंग्स के स्कोर्स के बेसिस पे आपको रूम्स अवेलेबिलिटी मिलती है. अमेनिटीज की अगर हम बात करें तो एवरी स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ कोर्ट, कबर्ड, चेयर एंड डेस्क, हॉट वाटर एंड लॉन्ड्री फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑल्सो अवेलेबल इन द हॉस्टल रूम्स. ऑल्दो इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू गो फॉर द हॉस्टल थिंग्स ऑल्सो. अगर आप भोपाल के हैं, लोकल हैं, तो आप डे स्कॉलर हैं, तो आप भोपाल में ही किसी और जगह पे भी अकोमोडेशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्टे एट द हॉस्टल्स. If you talk about the seats in the different programs, BA LLB is offering 120 seats, a very limited number of seats. 120 seats ka breakup kuch is tarike se hai. Aap agar SC ki baat karein, to they are giving 16 seats to the SC students. ST ke liye you have 20 seats. For other backward classes, OBC, they have OBC quota as well. 14 seats aapko OBC mein milti hai, general category 52, NRI quota 18, supernumerary quota for EWS category 2 and for J&K another 12 and 2. So in total, they are offering 120 seats in their BA LLB honors program. Whereas in the BSc LLB, they also have the same kind of breakup. Same percentage of quota is available and the number of seats is 120. You can take a screenshot of this and you can get the same information from their website as well, or you can take a screenshot of this as well if you want to have the seats breakup. Quickly moving on to the next part, what is the exact admission process? So we have seen that NLUs are following a three-step process. First, you need to clear CLAT. You have to come under the cutoff marks and the cutoff rankings. Then you will be called for a counseling process. And then if you clear out the counseling, you will be getting the final admission. So everything from giving the CLAT till the final admission process is very much similar to NLSAR, to NLSIU Bangalore, to Kolkata, Jodhpur. So if we keep Delhi on a separate plate, all the other NLUs are basically focusing on this particular, following this particular admission process. And these are the basic details of CLAT, which I've already told you 4 to 5 times in my previous episodes as well. Moving further, admission to foreign nationals. So as we already are aware that there are seats for the foreign nationals also, but again there is no major change in the foreign national admissions process. Wahi similar process jo humne NLSAR aur NLSIU Bangalore mein dekha tha. Koi direct admission ka yahan pe provision nahi hai. They also have to go for common law admission test, that is the CLAT. But again, foreign nationals jinke paas person of Indian origin ya overseas citizens of India ka card available hai, sirf wahi eligible hai CLAT likhne ke liye. Baki sare terms and conditions wahi hain as it is hain.
जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई आपके भी ट्वेल्थ ट्वेल्थ आपको क्लियर करना होगा, और आपके उस पर्टिकुलर कंट्री का जो ग्रेडिंग सिस्टम है अगर उसे हम इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करें एंड यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, तो आपका जो कोटा है वो 45% जो है इट शुड कम डाउन टू 45%, योर स्कोर शुड शुड बी इक्वल इन टू 45% मार्क्स और परसेंटेज एज पर द इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम, राइट? सो ऑल द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर सेम फॉर द फॉरेन नेशनल्स एज वेल. Talking about the basic fee structure of this college, so what we have done, we have divided it into two categories. Abhi we are talking about for the journal students. So for journal students, the per annum fee for Indian students, be it BLLB or BSc LLB, the annual fee, the per annum fee will cost you around 2,79,250 rupees. 2,79,250 rupees is that value which you need to pay per year to this college. The breakup of one-time payment and major amounts are admission fee of 10,000 is applicable, tuition fee for 1,36,000 which is per annum, admission fee is a one-time payment, hostel fees is 25,750 for the whole year, mess charges 39,000, refundable deposits which are one-time deposits stands at 15,000 rupees. But if we talk about the fees for the foreign nationals or NRI sponsored, it will go somewhere around 1,43,250 per annum in when it comes, it somewhere around 10,000 US dollars. So this might be a wrong conversion. Jo bhi existing rate hai uske sabse. But if I talk about the dollars, in dollars, the fees will go somewhere around $10,000 per annum. Like other NLUs, the NLIU Bhopal also offers you many different kinds of scholarships, financial aids. So they do have merit cum basis scholarships based on the memory of late Justice J.S. Verma. Then they have other scholarships also in the university. Scholarships cover full tuition fees. Matlab, if you are eligible for a scholarship, toh aapki puri puri tuition fees jo hai, wo waive ho jati hai. So, jis tarike se humne dekha ki purane, jitne bhi abhi tak humne colleges cover kiye hain, wahi central government ki jitni basic scholarships hain, wo yahan pe applicable hain. State governments ki jitni scholarships hain, wo yahan pe available hoti hain. Agar aapka jo quota hai, uske basis par agar aapko koi scholarship milti hai, to wo bhi aap yahan pe apply kar sakte ho. To know about more about the scholarships, every scholarship has a different page or a website. Aap jayein, uspe विजिट करें और आप वहां के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, द कॉलेज इज आल्सो वेरी मच एक्टिव व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. यू कैन सी बाय योरसेल्फ दे हैव अ मूट कोर्ट एसोसिएशन दैट इज एमसीए. तीन मूट कोर्ट यहाँ पे एनुअली करवाए जाते हैं. लिंक लीगल क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन जाते हैं. आपको क्लाइंट काउंसलिंग के ऊपर काफी ज्यादा ग्रिल किया जाता है, काफी ज्यादा सिखाया जाता है, विच अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एनी एडवोकेट. NLIU National Corporate Law Moot Court, a very famous corporate moot court जो है वो इस कॉलेज को एक अलग नाम प्रदान करता है, नाम देता है, काफी ज्यादा प्रतिष्ठित ये कॉम्पिटिशन है अक्रॉस ऑल द NLUs, वेरी फेमस. एंड देन जस्टिस आर के तनखा मेमोरियल इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, अगेन वन ऑफ द वेरी फेमस मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन इन द फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स फॉर द NLIU students. So, ये जो कुछ मेजर इनके मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन हैं वो इस कॉलेज को एक स्टैंड अपार्ट लुक देते हैं, एक अलग पोजीशन पे खड़ा करते हैं. न सिर्फ मूट कोर्ट्स, दे आल्सो हैव अदर काइंड्स ऑफ फेस्ट एंड अदर काइंड ऑफ स्पेशल लेक्चर्स. सो दे हैव दे नॉर्मली ऑर्गेनाइज द लेक्चर्स बाय जस्टिस और जजेस और बाय रेनाउंड पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ लॉ. लाइक यू कैन सी जस्टिस सचिंद्र द्विवेदी मेमोरियल लेक्चर, जस्टिस जीपी सिंह मेमोरियल लेक्चर एंड लीगल स्पेशल रीजनल एंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज ऑन कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज. इसके अराउंड ये कॉलेज जो है काफी काम करता रहता है, लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहता है. साथ ही साथ यू कैन सी दैट दे हैव ऑल्सो अंडरटेकन प्रोजेक्ट्स विद गवर्नमेंट ऑफ एमपी, एमपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट न्यू दिल्ली. सो इनके साथ इवन विद द यूनिसेफ, यूएनडीपी, GTZ, UNFPA, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे कमिटीज के साथ, इन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ भी काफी सारे कोर्सेज जो हैं टाइप करके NLIU जो भोपाल है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए करवाता रहता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर मोर देन सफिशियंट टू टेल यू दैट कॉलेज इज वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. सो देर आर दीज आर द
पिक्चर जो अभी हाल ही में उनका विरुद्ध का एक स्पोर्ट्स फेस्ट था, बहुत ही बड़ा फेस्ट जिसे जुडिशरी गोल्ड और लीगल एज ने ही स्पॉन्सर किया था। ये उस इवेंट की कुछ इमेजेस हैं। तो ये इवेंट्स होते रहते हैं, इनका कल्चरल फेस्ट है MP04 विच इज द ऑफिशियल नंबर ऑफ भोपाल। तो उसके ऊपर बेस्ड है इवेंट्स, ये लोग करवाते रहते हैं, वेरी फैंटास्टिक इवेंट्स एंड फेस्ट। देन दे ऑल्सो हैव कमिटीज एंड सोसाइटीज लाइक अदर NLUs, इफ यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट बार, दे हैव अ स्टूडेंट बार एसोसिएशन, दे हैव स्टूडेंट कमिटीज लाइक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एलुमनाई अफेयर्स सेल, अथीना, अ कल्चरल कमिटी, दे हैव सेंटर ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, दे हैव केयर्स द एनवायरमेंटल सेल लॉ, देन दे हैव लीगल एड क्लिनिक, दे हैव जेंडर जस्टिस सेल, मूट कोर्ट एसोसिएशन एंड वॉट नॉट। सो दीज आर द क्लब्स, कमिटीज एंड सोसाइटीज वेर इन यू ऑल वेन यू विल बी बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस कॉलेज, देन यू विल बी गेटिंग द चांस to be the part of this these societies as well। जो मैं बार बार आपको बताया था कि एक कॉलेज की जो रैंकिंग्स हैं वो उसको दिखा रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलेज है, बट साथ ही साथ अगर आप इनके रीसेंट प्लेसमेंट्स देखते हैं तो वो भी NLIU भोपाल को बहुत अच्छी रैंक के पे प्लेस करता है और वो डेटा यहां पर है। तो इफ वी सी अबाउट, इफ वी गो थ्रू द मेजर प्लेसमेंट्स ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, वो है 2018-19 में दे हैव गिवन 98, दे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग वर 98, आउट ऑफ दैट 51 स्टूडेंट्स वर प्लेस विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 10 लाख रुपीज पर एनम व्हिच इज वेरी ह्यूज। 2019-2020 में नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग वर 112, आउट ऑफ विच 47 स्टूडेंट्स गॉट अ पैकेज ऑफ 14 लाख रुपीज, सीधे सीधे 40% का जंप। 2020-2021 में 112 में से 60 स्टूडेंट्स वर प्लेस विद अ मीडियम सैलरी ऑफ 16 लाख रुपीज। भाई यहां से अगर आप खुद देखें कि किस तरीके से जंप आ रहा है इन द सैलरी पैकेजेस, जो रीसेंट सैलरी पैकेजेस हैं वो और इससे ज्यादा हाई गए हैं। वी डोंट हैव द डेटा राइट नाउ, बट एज पर द इंटरनल डेटा सेज दे हैव गिवन 100% प्लेसमेंट्स टू ऑल द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, प्लस ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज में भेजे गए थे फ्रॉम दिस कॉलेज। अच्छा, फेमस रिक्रूटर्स अगर आप देखते हैं तो आप देखिए ट्राई लीगल है, यू हैव खेतान, यू हैव सरफ, यू हैव ICICI बैंक, यू हैव इंडस, कैम, सैम, ऑल द फेमस नेम इन द लॉ फ्रेटर्निटी। आप एक नाम लीजिए, आप टॉप रिक्रूटर्स की लिस्ट निकालिए, गूगल करिए, वो सारे टॉप रिक्रूटर्स NLIU भोपाल में फॉर श्योर किसी ना किसी ईयर आए हैं और उन्होंने अच्छे खासे प्लेसमेंट यहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये है हमारा अभी तक का डेटाबेस अबाउट दिस कॉलेज। बट जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ प्लेसमेंट्स रैंकिंग्स कॉलेज को सक्सेसफुल नहीं बनाता, भाई इस कॉलेज से निकले हुए लोग क्या कर रहे हैं, क्या इस कॉलेज से कोई फेमस रेनाउंड नेम निकला भी है। तो थोड़ा सा अगर हम इस पे नजर डालते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैनजन चॉस्पेल, ही इज एग्जीक्यूटिव काउंसलर इन एग्रीकल्चर आर्ट एंड कल्चर, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट में है, काफी सीनियर पोजिशन पे है। ज्योति किरण, ये जो है ये है ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ GST इंटेलिजेंस। देन यू हैव अंकित अस्थाना, ही CEO ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑफ MP। एंड देन वी हैव वेरी फेमस थ्री नेम्स, वन इज मिस्टर हर्ष गगरानी, डायरेक्टर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ लीगल एज, जहां पे आप खड़े होकर इस वीडियो को देख रहे हैं अभी। इस चैनल के, इस ब्रांड के फाउंडर खुद हर्ष गगरानी सर जो है वो इस कॉलेज से निकले हुए हैं, तो यार नाम ही काफी है, इनके बारे में तो कुछ ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं। शिवानी कन्नौजिया, शी इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन वेन इट कम्स टू जुडिशरी गोल्ड एंड लीगल एज आफ्टर कॉलेज। सो जुडिशरी गोल्ड एंड लीगल एज आफ्टर कॉलेज की शी इज एसोसिएट अकैड हेड, द बैकबोन ऑफ दिस दीज टू ब्रांड्स। शी इज अनदर पास आउट अ ग्रेजुएट ग्रेजुएट फ्रॉम NLIU भोपाल। एंड मिस्टर कनिष्क देवेश शर्मा, अ वेरी रेनाउंड फेस इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी, अ वेरी गुड मास्टर टीचर ऑफ जुडिशरी गोल्ड, ही इज अगेन अ ग्रेजुएट फ्रॉम NLIU भोपाल। एंड आई होप आप सभी की फोटोज भी यहाँ इसी तरीके से हैं कि जब मैं इसका फिर से कोई नया एपिसोड बनाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर होंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, के जल्दी से आप लोग भी क्लैट लिखें और इस कॉलेज का पार्ट बने। सो ये कुछ फेमस एलुमनाई थे जो हमने देखे इस कॉलेज से, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या पहले ग्रेजुएट हुए हैं बट आज अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। तो ये वो डेटा है जो NLIU को खास बनाता है, स्पेशल बनाता है। अब
एज वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न, हमने फिर से गूगल किया और देखा कि एनएलआई भोपाल के बारे में भाई दुनिया जनता क्या जानना चाहती है, तो ये कुछ सवाल हैं जो बच्चों ने सर्च किए हैं गूगल पे। हाउ इज लाइफ एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनएलआईयू? या सी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के तो बहुत मजे होते हैं, बहुत सारे फेस्ट हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, आपको वहाँ पे वेलकम पार्टी मिलती है, फ्रेशर पार्टी मिलती है, बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में आपको पता चलता है, कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है, बहुत सारा एक्शन होता है फर्स्ट ईयर में। तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड, आप एक दूसरे वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि आप टेलीपोर्ट हो गए किसी नई जगह पे। तो फर्स्ट ईयर काफी एक्टिव रहता है, फुल ऑफ इवेंट्स। हाउ आर द रूम्स इन एनएलआईयू भोपाल एज फार एज द एलुमनाई बेस सेज और गिव्स अस द इंफॉर्मेशन? वी हैव द डेटा दैट यहाँ पे रूम्स बहुत अच्छे हैं, क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, और रूम्स के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिलेटेड अभी तक ऐसी कोई मेजर फ्लॉज या कंप्लेंट्स हमने नहीं रिकॉर्ड करी हैं। Is it necessary to stay in the hostel in NLU? Definitely no. आपके पास ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। If you want to stay out of the college, you can go outside the college. Also, you can stay at the some other paid places also. How fun is life at NLU? Very subjective question. अगर आपका NLU dream है, अगर इस college में आप आना चाहते हैं, तो definitely dream come true वाली feeling आएगी। But अगर आपको लगता था यार मुझे तो बैंगलोर जाना था, कहाँ मैं भोपाल में आ गया, कहाँ गलती से आ गया, मुझे हैदराबाद जाना था, तो फिर जो लाइफ है वो पैथेटिक हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरे हिसाब से भोपाल सिटी ऑफ लेक फैंटास्टिक एनवायरमेंट, फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सिटी है। तो एक तो सिटी का अपना खुद का चार्म है, साथ ही साथ कॉलेज का कैंपस, 50 एकड़ का कैंपस, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपसेस व्हेन इट कम्स टू एनएलयूज, तो काफी बड़ा मैसिव कैंपस है। तो कैंपस वाइज, प्लेसमेंट वाइज, टीचर्स वाइज, कोर मैनेजमेंट पे अगर आप देखते हैं, तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इज विजिटर हियर एज अ फैकल्टी। तो अगर इतने बड़े बड़े नामों के बाद भी अगर आपको किक नहीं मिल रही है, तो भाई पता नहीं क्या किक मिलने वाली है, ठीक है। एंड देन इज इट वर्थ टेकिंग एडमिशन इन एनएलयू? इसका ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली जिस भी बच्चे ने इस सवाल को डाला है उससे मैं पूछना बताना चाहूंगा उसको कि यार इंडिया के फोर्थ फिफ्थ रैंक के कॉलेज में अगर आप पढ़ने का सोच रहे हो, अभी भी आप सोच रहे हो कि वर्थ है कि नहीं है, तो आई गेस आपको एक बार क्लैट लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, इसको एक बार रीथिंक करना चाहिए। डेफिनेटली यस, टॉप 5 कॉलेजेस में से एक कॉलेज है आपके सामने, उसमें आप ये सोच रहे हो कि आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द पैरामीटर, व्हाट वाज द बेस फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने जो भी जानकारी प्रोवाइड की है वो यही इन्हीं सारी चीजों से निकाली है, आप जाके यहां से वो डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। सो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ एनएलआईयू भोपाल व्हिच इज www.nliu.ac.in, और यू कैन डाउनलोड द ब्रोशर फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज जिसका लिंक ये है। ऑल्सो यू कैन राइट देम, और आप उनसे खुद क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं @nliu@nliu.ac.in, इस पे आप मेल करके भी अपने क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप उनके इस दिए हुए फोन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। They are pretty much active people. एक active committee है उनकी, तो आप इन चीजों के through उनसे connect कर सकते हैं। So that's all for this episode. I hope you liked this episode. आपको मजा आया होगा, नई नई चीजें जानने को मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार तो लाइक करना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को सारे क्लैट एस्पिरेंट्स के साथ, सारे अपने एनएलआईयू के फ्रेंड्स के साथ, जो एनएलआईयू में जाके आपका गैंग बनने वाले हैं, उनके साथ जरूर 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 शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें जब जब हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होने वाली है यूट्यूब पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यहीं इसी जगह, जहां पर मैं लेकर आऊंगा एक और नया लॉ स्कूल। इन द मीन टाइम प्लीज लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एपिसोड कैसा लगा, और क्या इंफॉर्मेशन है जो आप हमारी टीम से जानना चाहते हैं बाय राइटिंग इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू दिस सेशन। हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।